लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। कांग्रेस विधायक जगवीर मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। सरकार प्रदेश का समान रूप से विकास कराने का वायदा जनता से कर रही है, लेकिन सीएम द्वारा जो घोषणा की जाती है उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। अन्य जिलों के मुकाबले में सोनीपत में घोषणाओं की प्रतिशत 75 है। वहीं गोहाना में अब तक 2 घोषणाएं की गई हैं, वो भी पूरी नहीं की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि ये जो बीजेपी नारा दे रही है सबका विकास और समान विकास, एक तो ये मुद्दा था। एक जो मुख्यमंत्री 14 तारीख को आएंगे उसमें बीजेपी वाले कोई मांग पत्र पेश कर रहे हैं, इसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। समान विकास की बात करते हैं, सोनीपत जिले में आज तक कुल 13 घोषणाएं की हैं और गोहाना के बारे में गोहाना आकर मुख्यमंत्री ने 2 घोषणाएं की थी। एक तो 5 करोड़ रुपए कमेटी को देने के लिए और एक वेस्टर्न बाईपास गोहाना बनाने के लिए। 5 करोड़ की घोषणा कोई ऐसी बात नहीं थी कि 5 करोड़ रुपए ना आते, यदि नीयत ठीक होती तो 5 करोड़ रुपए अगले दिन ही यहाँ कमेटी में आ सकते थे, आज तक नहीं आए। और ना ही वेस्टर्न बाईपास का कोई मुद्दा, कोई सिस्टम पब्लिक को महसूस रहा कि ये बनाएंगे। तो ये दोनों घोषणाएं बेकार है। सोनीपत जिले की जो घोषणा है केवल 13 है, जबकि फरीदाबाद में 222 के करीब घोषणाएं हैं, महेंद्रगढ़ जिले में 135 घोषणाएं हैं, करनाल में 100 के लगभग घोषणाएं हैं और सबसे कम घोषणाएं शायद सोनीपत जिले में है, इससे कम घोषणाएं कहीं नहीं है। जितने डिस्ट्रिक्ट सबसे कम घोषणाएं हैं। क्या कारण घोषणाएं ये भेदभाव बरतते हैं, भेदभाव है इनके अंदर। कभी ये मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि विकास हो, ये भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं समान विकास और सबका विकास। ये कथनी और करनी में अंतर है, कहना कुछ और करना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ। तो ये स्पष्ट है, इनके आंकड़े हैं, आरटीआई से जो आंकड़े लिए गए हैं वो है उसमें। तो इसमें स्पष्ट है कि सोनीपत के अंदर सबसे कम तो घोषणा हुई, एक काम पूरा हुआ है 13 में से, एक काम पूरा और 9 पर तो काम शुरू नहीं हुआ, काम भी 2 पर शुरू हो रहा है, एक अधूरा है, एक काम हुआ, बाकी का काम भी शुरू नहीं हुआ। तो ये है स्टेटस सोनीपत जिले का। और जो मंत्री ये कहते हैं और इनका बीजेपी के जो सारे लीडर्स ये कहते हैं, पिछली सरकार ने गोहाना में काम कुछ नहीं किया, ये मेडिकल कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये रेलवे लाइन, ये सेक्रेटरिएट, ये जुडिशियल कम्प्लेक्स, ये ओवरब्रिज, ये बाईपास, ये गवर्नमेंट कॉलेज, ये कोऑपरेटिव बैंक, ये इतनी काम जो है, वाटर वर्क्स, क्या ये पिछली सरकार के काम नहीं? 2 साल में ये सरकार गिनाए, ये कहते हैं पिछली सरकार ने काम नहीं किया, इस सरकार ने क्या किया ये बताएं हमें। एक डिमांड तो मैं बताता हूँ, शहर के अंदर 16 लाख रुपए नई बस्ती, 13 बस्ती जो वो ही है उनके 16 लाख रुपए वाटर सप्लाई के और उनके सीवरेज के हैं, एस्टिमेट गए हुए हैं 16 करोड़ रुपए का। 16 करोड़ रुपए तो जो है नई बस्तियों का वो है और 10 करोड़ रुपए का नई बस्तियों का स्ट्रीट की पेमेंट है। तो 26 करोड़ रुपए तो ये उस समय बिल्कुल तैयार थे आने के लिए, जो आचार संहिता लगने की वजह से रह गए। 26 करोड़ तो ये हैं, इसके अलावा कम से कम 2 साल हो गए, 24 करोड़ रुपए और देखे जाए, 50 करोड़ तो गोहाने के अनाउंस करके जाए। और
और कम से कम मिनिमम 2 साल हो गए, 1 पैसा गांव में नहीं आया किसी गांव में। 1-1 करोड़ रुपए हर गांव को दिया जाए, ये हमारी डिमांड तो डेवलपमेंट के विकास के लिए ये है। बाकी चीजें जो है हम जो है लोगों को बताएंगे उससे पहले, ताकि मुख्यमंत्री उनको पूरी करे। चुकी है इस जिले के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया है और उसका बदला ये सरकार ले रही है। और यहाँ जो मंत्री है जिले की, वो भी इसमें जो है वो भी भेदभाव दूर नहीं करा सकती। सोनीपत पूरे जिले में 13 ही वो डिमांड है। के सामने हम लाना चाहते हैं कि भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, और दिखावा कुछ कर रहे हैं। कथनी और करने में अंतर है। गुलाजिका में नर्क की जिंदगी जी रहे वार्ड नंबर 11 के वासियों में आज खुशी जैसा माहौल दिखाई दिया, जब नगर पालिका चीका व वन जागृति मंच व कई संस्थानों ने मिलकर सफाई अभियान चलाकर पूरे वार्ड की गंदगी साफ की। नगर पालिका चेयरपर्सन के पति पिंटू शर्मा, जन जागृति के प्रधान रमेश जैन व कई संस्थाओं के लोगों ने स्वयं झाड़ू लगाकर पूरे वार्ड की सफाई की। सफाई अभियान शुरुआत वार्ड नंबर 11 के पार्षद कमल चौधरी के नेतृत्व में गुहला की मैन फिरनी से की गई। तक चलेगा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की तर्ज पर हमने स्वच्छ का अभियान आज सफाई अभियान वार्ड नंबर 11 से सम्मानित पार्षद भाई कमल चौधरी जी के नेतृत्व में यहाँ पर हमने चलाया है। हम हर एक वार्ड में जाएंगे, महा सफाई अभियान गुला से चलकर चीका तक जाएगा, हर वार्ड को साफ सुथरा स्वच्छ करेंगे। आम आदमी का भी सहयोग मिल रहा है, पूरी संस्थाएं भी सहयोग कर रही है, मेरे सफाई कर्मचारी भी पहले की अपेक्षा और ज़्यादा बढ़िया तरीका से काम कर रहे हैं। नगर पालिका के साथ साथ और आपके संस्थाओं के बारे में बोला, कौन कौन सी संस्था इसमें आपके साथ सहयोग कर रही है? साई जन कल्याण ट्रस्ट है, जन जागृति मंच है, गौशाला है, भवानी मंदिर है, अनेकों संस्थाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और सफाई अभियान का पूरा शहर पूरा गांव स्वागत कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जिन्होंने ये स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ भारत का नारा दिया। तो उस नारे के मुताबिक हमारी चीका नगर पालिका को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ कि नवनिर्वाचित हमारे चेयरमैन के पति राजेश पिंटू जी पहले 11 नंबर वार्ड में, 11 का अंक भी शुभ है और गोला नाम है, हल्का गोला भी गोला के नाम से है, और यहाँ कमल चौधरी जी कमल का ही राज है, इसलिए यहाँ से शुरुआत जो है स्वच्छ भारत की बहुत बढ़िया रहेगी। स्वच्छ भारत की मैं ये बात करता हूँ कि आज ये नई नहीं है, ये खोज नहीं हो सकती है, सोच नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमारे प्राथमिकता में है। हमारी बहन बेटियाँ जब चौका चूल्हा पहले लीप के पोत के नहा धो करके शौचालय जा करके फिर जाके खाना बनाती हैं, तो स्वच्छता जो है मंदिर मस्जिद में जाते हैं पहले लघु शंका निवारण करके नहा धो के स्वच्छ हो के फिर ही मंदिर में जाया जाता है। हमारे लाला लोग हैं, दुकानदार भाई हैं, पहले दुकान को साफ करेंगे अच्छी तरह, फिर गद्दी के ऊपर धूपती करेंगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि स्वच्छता जो है वो सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है। इसका जो शुभ आरंभ हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ से नगर पालिका ने किया है। एक प्रश्न आया था कि ये कब तक चलेगा, ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलेगा, हम रहे ना रहे स्वच्छ जो है, स्वच्छ भारत जो है हमेशा रहेगा। गांव वजीरपुर में 10 दिन से पीने का पानी ना पहुंचने के कारण ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। आरोप है कि बार बार अधिकारियों को गुहार लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटका तोड़ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, जल्द ही समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। जी हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, करीब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, और पहले आता भी तो बहुत कम आता है और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कितनी बार जा चुके हैं आप? कई बार जा चुके हैं उनके पास, लेकिन कोई हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है।
तो आप काम कैसे चला रहे हो पानी की? काम कैसे चला रहे हो? तकरीबन पीने का पानी नहीं, कहीं कहीं से लेके आना पड़ता, सभी परेशान है। तो आज क्या किया आपने, कैसे तीनों ने आज गांव की औरतें इकट्ठा होकर मटका फोड़ कर प्रदर्शन किया है, ताकि जो प्रशासन हमारी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान दे। पानी भी मोल लेके पीना पड़ता है, मोल कैंप पर रखवा रहे हैं, सारे यहाँ पर सुबह मोल का पानी पी रहे हैं। करीब 10 रुपए का 15 का रोज रखवाते हैं देवी जी। क्या समस्या आपकी गाँव में? जी हमारा गाँव में पानी की समस्या है, 10 दिन हो गए पानी आया, और तिशा है मेरे जी ना तो जोड़ में पानी और नहीं पीवन का पानी, 10 दिन हो गए तिशा है मेरे ना गया जी, कोई नहीं सुनाई कर रहा, पाइप सी में फूट रहा सी, कुआ रहा नहीं, नलका रहा नहीं, लेकिन गांव 10 दिन हो गए बिल्कुल तिशा है मेरा सर, और प्रशासन को कह लिया कोई नहीं संभाल कर रहा। कितनी बार गए हो प्रशासन के पास? हम कम से कम 10 बार जा लिया। तो क्या बोलते हैं? वे बोले जी जी आवा कर दे ठीक, फूट रहा सी कर दिया ठीक, कोई नहीं सुनाई कर रहा। तो आज आपने क्या किया है? आज जी गांव के लुगाई इतनी सी इकट्ठी हो रही सी, बत्ती सारे मरम लग रहे थी, इनके लिए किमी समाधान होना चाहिए जी। मटका फोड़ कर दिया जी। क्या मांग आपकी? हमारे जी पानी की मांग, अगर नहीं मिलता तो जल्द फिर जी हम आल्टरमेंट करें ना जी, जो अपना मन में होगा जो जिन्हें निकट्ठी होगा नाम दफ्तर में जाएंगे जी, एमएलए के पास जाएंगे जी, पर जो भी एमएलए आए थे उससे भी कही थी मुबेला करवा देंगे, लेकिन कह रहे थे लेकिन करें कोई नहीं, रोड जाम करो नहीं तो। चलो माफ़ मेरी कृष्णा देवी जी। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है, अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।